नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और रोमांचित कर देने वाली खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस के सामने एक अजब मामला सामने आया है। यहां पर एक विवाहिता ने थाने पहुंचकर शिकायत की है कि उसकी शादी को लगभग 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक पति ने उसको टच नहीं किया है, यानी कि पति ने अभी तक उसको छुआ भी नहीं है। अब वह नौकरी का वास्ता देकर दिल्ली में फ्लैट खरीदने की मांग कर रहा है। पुलिस ने अब इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और पूरी जांच में जुट गई है। ये मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र का है। विवाहिता ने बताया कि दिसंबर 2022 में उसकी शादी मवाना के एक मोहल्ले के रहने वाले राहुल तेवतिया के साथ मुकुट महल में धूमधाम के साथ हुई थी। शादी के दौरान पिता के करीब 26 लाख रुपए खर्च हो गए थे। पति एक आईटी कंपनी में एचआर के पोस्ट पर तैनात है। वहीं विवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद से अब तक पति ने छुआ तक नहीं है, उसने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश भी नहीं की। बाद में वह गांव से लेकर दिल्ली आ गया, लेकिन साथ रहने के बाद यहां भी उसने वैवाहिक संबंध नहीं बनाए। इस बारे में पूछे जाने पर उसने बताया कि उसका इलाज चल रहा है और वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। विवाहिता ने बताया कि इस बात को लेकर पति के साथ कहासुनी हो गई, यहाँ तक पति ने रेलिंग से सिर लड़ाकर जान से मारने की भी कोशिश की। अब पति उल्टा दिल्ली में फ्लैट दिलाने की भी मांग कर रहा है। इस मामले में इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि विवाहिता की तहरीर पर पति विशाल तेवतिया, ससुर सुधीर तेवतिया और मां ममता के खिलाफ तहरीर प्राप्त हुई है। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि युवती के ससुराल वालों ने धोखे में रखकर शादी की और अब जानकारी होने पर उपचार चलने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, ये कहां तक सही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।